हाँ, मैं रूट सिंह प्रवक्ता गणित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। छात्रों नमस्ते, आपको सभी को मैथ्स में अपने 4 यूनिट हैं सिलेबस के अंदर। 4 यूनिट में 3 यूनिट हमने कवर कर लिए हैं, 1 यूनिट बची है। वैसे टोटल 5 हैं, लेकिन एक यूनिट को डिलीट कर दिया गया है, जो को सर्किल कॉनिक सेक्शन को, वो नहीं पढ़ना है। अपने को 4 यूनिट पढ़नी है, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स वाला, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर और इंटीग्रल वाला पोर्शन, ये 4 हैं। अपने 3 बता चुके हैं, अब चौथी में चल रहे हैं। अपने लास्ट जो यूनिट है वो है इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन। अब समाकलन के अंदर सबसे पहले इनके कुछ फार्मूले लिखेंगे और उनको याद भी करना है, और इनकी सहायता से कुछ एग्जांपल भी करेंगे जो काफ़ी हेल्प मिलेगी। इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ाया था डिफरेंशिएट। उन डिफरेंशिएट की काफ़ी अपने को सहायता मिलेगी, क्योंकि डिफरेंशिएट जो पढ़ा और अब समाकल पढ़ेंगे तो समाकल अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। इसलिए अपने को डिफरेंशिएट वाला जो पोर्शन फर्स्ट सेमेस्टर जो पढ़ाया वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। फिर भी अपने दोबारा उनको बताएंगे तो समाकलन में जो गणित का जो यूनिट 2 है सेमेस्टर स्कीम कोड नंबर 2001 यूनिट 2, तो समाकलन में समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। मतलब कहने का मतलब जो समाकलन करेंगे, जो अवकलन है उसका उल्टा है समाकलन, अर्थात रिवर्स प्रोसेस होता इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट, या इंटीग्रेशन इजी है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट। जनरल और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, व्यापक या अनिश्चित समाकलन, इनका जो एक जो अपने जो बॉक्स टाइप बनाया है, देखो इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c, कहने के वाला जो फंक्शन fx है उसका जो इंटीग्रेशन किया है, मानो कैपिटल fx किया है और c प्लस कॉन्स्टेंट लगाते हैं। अब जो इंटीग्रेशन लिखते, देखो इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c जो है, इसे अपने एक बड़े बॉक्स में लिखा है। अब इसमें क्या क्या चीज है, एक जो चिन्ह है ये ऐसा इस टाइप का, ये जो चिन्ह है ये समाकलन का चिन्ह है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। fx क्या है, fx है इंटीग्रेंड फंक्शन, मतलब समाकल्य। फिर है dx, dx मीन्स समाकलन का चर, अर्थात वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर है कैपिटल fx, ये समाकल इंटीग्रल, मतलब जो स्मॉल fx है इसका इंटीग्रेशन जो किया है वो कैपिटल fx इस टाइप का है, मतलब जो भी आता है वो, तो कैपिटल fx एक समाकलन, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। एक प्लस c लगाते हैं, प्लस c मीन्स समाकलन का अचर, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक बॉक्स में लिखा है, ये इसका जो इंटीग्रेशन का चिन्ह, जो क्या क्या चीज़ होती है वो उसने डिफाइन किया है। अब कुछ इसके सूत्र बताएंगे, जो कुछ प्रॉब्लम जो है उनको अपने काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये स्टैंडर्ड जो फार्मूले है ये अपने को आने चाहिए, इनकी सहायता से ही अपने आगे बढ़ पाएंगे। सिंपल सिंपल है, 1 by 1 अपने इनके फार्मूले बताते हैं। इस साइड तो देखो अवकलन के सूत्र हैं, और इस साइड जो लगाइए समाकलन के सूत्र हैं, ये इसी से इस ये आ रहे हैं।
तो स्टार्ट करते से dx डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन एक्स की पावर एन। डिफ्रेंशिएट के अंदर क्या होता है, जो पावर है वो आगे जाती है और एक पावर कम हो जाती है। इसलिए अब चलते हैं इसका इंटीग्रेशन करना। अब एक्स की पावर ये एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है, एक्स की पावर एन ऐसे लिख देंगे इसको, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एन नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू माइनस वन, मतलब एन माइनस वन का नहीं होना चाहिए। फिर है डी बाई डी एक्स को लोग एक्स, लोग एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है डी बाई डी एक्स लोग एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। अब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं लोग एक्स प्लस सी आ जाता है, कहने का मतलब जैसे लोग एक्स का डिफ्रेंशिएट किया तो वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लोग एक्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करते ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते भी ई की पावर एक्स प्लस सी, सी लगाएंगे। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स ए की इजिकल टू ए की पावर एक्स लोग ई बेस टू ए, मतलब ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट किया है, फिर ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन लोग ई बेस टू ए प्लस सी। फिर है नेक्स्ट डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कोस एक्स इजिकल इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस सी, डी बाई एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब कोस एक्स का डिफ्रेंशिएट कर तो माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दो कोस एक्स माइनस कोस एक्स, फिर डी बाई एक्स टेन एक्स। अब टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक्स स्क्वायर एक्स, अब सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करें इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस, डी बाई एक्स कोट एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर इज दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन कोस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स प्लस सी। देखो उल्टे चल रहे हैं, कोट का डिफ्रेंशिएट किया था कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स इंटीग्रेशन कोट आ जाएगा। नेक्स्ट डी बाई एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट किया था सेक एक्स टेन एक्स है, अब सेक एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट करने तक तो आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। फिर डी बाई एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स दिस इंप्लाइज कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस। ये अपने स्टैंडर्ड फार्मूले हैं और ये जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं ये काफ़ी यूजफुल हैं। अब इनकी सहायता से ही कुछ एग्जाम्पल या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट है जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता था एग्जाम में, तो इस ऐसी क्वेश्चनों को तो ही खूब अच्छी तरह से याद करना है इसको। ये देखो 2001 दो चार 11 17 19, मतलब ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है। इसका सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर डी एक्स। देखो इसमें क्या बढ़, ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स नहीं, ये ऊपर है ना, ये लिखा है ये एक के बराबर होता है। जैसे यहाँ अपने एक है, एक मान लो तो एक के बराबर ही कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दो एक के बराबर। ये सबसे इसमें नोट करने वाली जो है बात है इजिकल टू इंटीग्रेशन। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स पर कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे तो साइन साइन कट जाएगा तो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। फिर प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस कट जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स। कह रहे मतलब इसके नीचे ये लिख देंगे इसके नीचे ये लिखेंगे तो जो कटेगा वो कट जाएगा बाकी ये बच जाएंगे। इजिकल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन जो कोस होता है तो वो सेक होता है, चूंकि यहाँ स्क्वायर इसलिए सेक्स स्क्वायर लिख देंगे। इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स वन अपॉन साइन स्क्वायर को लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि वन अपॉन साइन कोसेक होता है ये स्क्वायर इसलिए स्क्वायर डी एक्स। अभी जो अपनी अभी कुछ हुआ नहीं, अभी हमने सिंप्लीफाई किया है, ऐसे सिंप्लीफाई करने होंगे और उस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना होगा। अभी इंटीग्रेशन चल रहा है अलग अलग, देखो इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखो पीछे अभी
डिस्कस किया था इस फार्मूले कि भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। इसको याद करना अच्छा है इसको। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम टू, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये देखो मैं साल मेंशन करें 2005 है। सॉल्यूशन वन अपॉन इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन सॉरी गुणा वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स डी एक्स, कहने के मतलब नीचे जो हार्मोन लिखा है उसका चिन्ह जो प्लस वन है उसको उल्टा चिन्ह मतलब माइनस प्लस है माइनस को माइनस है प्लस कर दो और उसी से भाग उसी से डिवाइड, नीचे वन प्लस साइन एक्स है ना, इसका चिन्ह चेंज करें तो वन माइनस साइन एक्स है इसी से भाग इसी से डिवाइड कर देंगे। इजिकल टू इंटीग्रेशन वन माइनस साइन एक्स, ऊपर तो वन माइनस एक को देखो वन माइनस साइन एक्स कर दें वन माइनस साइन एक्स, नीचे वन प्लस साइन एक्स और एक वन माइनस साइन एक्स तो इसको बनाएंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इजिकल टू इंटीग्रेशन वन माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। इजिकल टू अभी वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, देखो वो जैसे ऊपर बताया वैसे वन अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, एक होता है साइन, देखो साइन एक्स अपॉन कोसेक्स, कोसेक्स को दो बार लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स है दो बार लिख दिया, इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन अपॉन कोस टेन हो जाता है, एक वन अपॉन कोस बचता है तो सेक हो जाता है। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अभी ये सिंप्लीफाई किया है जितना हो सके उसे सिंप्लीफाई करो। अब ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स, अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है टेन एक्स होता है, सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स प्लस, ये माइनस पहले से लगा सेक एक्स होता है प्लस सी, ये आंसर। प्रॉब्लम थ्री, इंटीग्रेशन रूट वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना होता है, इंटीग्रल का सिंबल पहचान लो कि जैसे इस टाइप का था ये इंटीग्रल का चिन्ह है। अब देखो पहले ऊपर जो पहले वाले में बताया था कि एक को क्या लिख सकते हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट में ये बताया था कि एक को अपन जैसे एक ऊपर है एक को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऐसे लिखो, देखो इंटीग्रेशन रूट ऐसे से लगाओ एक है एक के लिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब साइन टू एक्स को लिखते हैं टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, फिर इजिकल टू इंटीग्रेशन रूट ऐसे लिख दो ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कोस एक्स, ये हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो है रूट है और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे और अपने पास ये बच जाएगा इजिकल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इजिकल अब अलग अलग लिख दो उसको, इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और प्लस सी, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस प्लस सी, मतलब इसमें जो अपने एग्जांपल कर रहे हैं इसमें कहने का मतलब है कि जितना हो उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म के जो पहले इधर जो फार्मूला बताए हैं ये सब अच्छे हैं, इन्हीं के साथ सॉल्व हो रहे हैं तो ओके थैंक यू।